बन जाएगा क्वेश्चन अच्छे से। पहले एक क्वेश्चन भी बना सकते हो, चलो लिखो तो फिर डेटा। और कैलकुलेशन थोड़ा क्या हर बात पे पीछे क्या देखो उसे क्या देखो लिखो डेटा। एक्स ऑब्जर्वेशन है x का वैल्यू दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 35 है और सिग्मा इज इक्वल टू खैर निकालना ही है तो क्या होगा टेस्ट करो बस डेटा को 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बता रहे हैं वो क्या है। पहले आप जो करते हैं वो करिए उसके आगे हम उसके बाद ठीक है। जो कैलकुलेशन आप करते हो करो सारी स्टैटिस्टिक याद है ना t इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू बाय s बाय t s y अंडर टू 10 और ये फॉलो करता है नॉर्मल ओवर 0 एंड 1 ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है अब इसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ का लगता है ऐसी खराब है। चलो सॉल्व करो जल्दी से टोटल सम क्या है तुम्हारा 327 बाकी का 333 आ रहा है तुम कुछ गड़बड़ किए हो देखो 333 है ना इसका 327 आ रहा है अब क्या गड़बड़ किए हो देखो इतना फास्ट भी नहीं कर रहा है ना उतना ही फास्ट जाइए जितना तो आ रहा है तुम क्या लिखे थे क्लास के बाद ठीक है क्लास के बाद तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे वो नहीं चाहिए ना पूरा चाहिए। चलो बताओ क्या होगा
श्रद्धा बात नहीं, पहले सॉल्व कर लो, करो इसको, उसके बाद फिर मुझे आगे बताना है। नींद कितना आया है? नींद आया है मेरा 37। 37 आया है? 37 इस बार सही है। तो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट आई माइनस एक्स बार होता है ना, 25 माइनस 37 कितना होगा? हेलो तू बता, बोलो। मीन जो है वो 37 आया है, एक्स बार 37 आया है, ठीक है। 25 माइनस 37 क्या होगा? माइनस 12 है। म्यू नहीं घटाना होता है, एक्स बार घटाना है, ठीक है। क्या क्या कर रहे हो समझ में आ रहा है ना? इस पूरे डेटा सेट का एवरेज निकालना है एक्स बार। इसका फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई, एंड जो आया है वो आया है 333। डिवाइड करेंगे उसको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 9। तो डिवाइड करोगे कार से क्या आएगा, ठीक है। अब उस 37 को हर ऑब्जर्वेशन में से घटाओगे क्या आएगा? माइनस 12। 30 माइनस 37, 45 माइनस 37, माइनस 12 7 8 8 हो जाएगा। मैं मेरा 1.000 आ रहा है, माइनस 8 हो गया। yes. अब क्या करना होता है? इसका स्क्वायर करना होता है। 144। तो स्क्वायर करोगे 144। 49। 64। 625। 4। 49। 196। 64। 1196 पूरा टोटल। 1196 yeah. एक बार इसका भरोसा नहीं है, सही है। अब क्या करना है बताओगे? अब इसका यस निकालना है, यस फाइंड करना है। ये मिला हमने एक्स बार, उसके बाद ये जो वैल्यू मिला है कुछ, ये क्या यस निकालना है? और इसको निकालने के लिए क्या करना है? अंडर रूट 1/n उसका टर्म निकालो, सिंपलीफाई करो। 11.5 होगा। अंडर रूट 132.88 ना मैम, 132.88 होगा। 132.88 चलो हो गया। तो ये मिला है एस,
one minus x bar minus q y yes y x by root ठीक है ये फॉलो करता है नॉर्मल मीन जीरो वन यहाँ पे एक्स का वन का वैल्यू तुम्हें पता है यू का वैल्यू शुरू में क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था 35 तो अब ये हम तो अभी रेज कर रहे हैं ठीक है अब इसको अप्लाई करना है आपको कि साइन पे लिखो मेरे क्या 37 minus 35 y 11.52 divided by under root 9 तो ये 3 हो जाएगा ना यस मैम ठीक करो डिवाइड करो अब क्या आएगा पूरा हो जाएगा टर्म सिंपलीफाई करो पूरा आता है 1.000 पूरा कर 1.00 0.52 ये वैल्यू आ गया अब क्या करना है इसके बाद वो देखिए फोन सबके पास है नेट अवेलेबल है चलो उसमें लिखूंगा टी टेबल कुछ आया टेबल का सर टेबल कितना इसमें आ गया मैम टू स्पेलिंग पता है ना टू का वन टू का स्पेलिंग टू पता है टेन लिखो टेन लिखोगे तो हाँ टू टेन की टेबल मिल गया टू टेन टी टेबल ठीक है मिला हाँ यार तुम क्या कर रहे हो लॉग में कहाँ तुम अटके हुए हो नहीं वो हम टू टेन इसमें देख रहे हैं देखो ये कॉलम फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ना सैंपल साइज होगा 1 2 3 पॉइंट्स पे काउंट करके जाएगा हाफ में फाइव भी देता है ठीक है फर्स्ट कॉलम 1 2 3 को लिखा हुआ है कहाँ नजर है थर्टी में होगा और ये आपको ग्राफ दिख के लिखा हुआ है कुछ वो आंसर नहीं है बस कुछ बात पे लिखा हुआ है थर्टी में जा रहा है वो ठीक है अब उसमें वो जो दिया है दैट इज द सैंपल साइज जो आपके पास टी टेबल में लिखा हुआ है 1 2 3 4 काउंट करने वाला वो होता है सैंपल साइज और यहाँ पे सैंपल साइज कितना है 9 ठीक है सैंपल साइज 9 है तो 9 वाले कॉलम में आप एंटर करो 9 वाले कॉलम को हॉरिजॉन्टली चेक करो जब 9 वाले कॉलम को चेक करोगे तो अलग अलग वैल्यूज है ना कौन सा लेना है पता है तो इसके लिए यहाँ पे 2 वाले में कुछ क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफिकेशन होता है जो हम दिए नहीं है आपको अभी तक कभी होता है जो टेस्ट करना है ये लिखा होगा उसमें लिखा होगा 5% में चेक करिए 5% 1% या 10% ऐसा लिखा होता है ठीक है क्या होगा 3 टर्म लिखा होगा आइदर 5% 1% और 10% ठीक है तो स्टेटमेंट जो भी होगा आपको क्रॉस चेक करना है कि वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करेक्ट है 10% पे या 1% पे तो अब उसमें 5% का मतलब क्या हुआ 5% का मतलब क्या हुआ
जीरो फाइव यही होगा ना, पॉइंट फाइव ही तो, पॉइंट फाइव होगा, पॉइंट फाइव का मतलब करो पॉइंट फाइव। अब क्या लिखोगे इसको, ये कैसे करना होगा, जीरो आएगा, वन बाई टू हो जाएगा, तो 0.05। अब उस टेबल में सबसे ऊपर जाइए जो टू टेल है, उसमें 0.05 कहाँ लिखा है वो देखो है, और वो फिर लास्ट में इधर नाइन जहाँ लिखा हुआ है उसका कॉमन टर्म लो। सुनो जरा क्या है, अब आपको क्या करना है, 2.262 जो वैल्यू है वो बताना है क्या मैक्सिमम वैल्यू। आपने सैंपल साइज बोल लिया, ठीक है, परसेंटेज ले लिया 5%, तो 0.05 ले लिया ना, वो हो जाएगा, और ये वैल्यू है मैक्सिमम। अगर इससे कम वैल्यू आता है इसका जो कि आया है, तो जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, ठीक है। अगर वो वैल्यू ये कैलकुलेशन करके कुछ ज्यादा आता तो फिर वो जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं होगा। समझ आया क्या कर रहे हैं, टेबल को इस तरह से देखना है। अब शुरुआत में आपके पास जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो नल हाइपोथेसिस क्या था, म्यू इज इक्वल टू 35, तो म्यू नॉट जो था अब तक 35 हो गया एच नॉट, फिर एच वन क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 35। अब ये वैल्यू अगर उस वैल्यू से लेस आता है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था बट टेबल देखने के लिए नहीं बताया था, कराया था ना, लिखे थे जेड जेड टैबुलेटेड से वो लेस होगा इसलिए वो एक्सेप्ट होगा, ये लिखा था आपने, बट वो कैलकुलेटेड वैल्यू हम देखकर आपको बस बताए कंक्लूजन। यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे देखना है, टैबुलेटेड वैल्यू वो भी समझ रहे हो, तो टैबुलेशन से आपको टेबल से देखना है वैल्यू, नंबर ऑफ सैंपल राइट हैंड साइड में होगा, वहां पे टू टेल और वन टेल होगा हमेशा लिखा हुआ। तो अगर उस टू टेल वन टेल का जो जजमेंट होता है अपने एक्सप्रेशन पे होता है, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 35 है, अगर यहाँ होता म्यू इज ग्रेटर देन 35 तब ये वन टेल हो जाता, ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट को ये रखेंगे तो ये टू टेल होगा। टू टेल का मतलब क्या हुआ, या तो 35 होगा नल हाइपोथेसिस, या फिर क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, दोनों होने की पॉसिबिलिटी है, दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इक्वल नॉट 35 का मतलब म्यू कैन बी ग्रेटर देन 35, म्यू कैन बी लेस देन 35, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन नहीं होता तो वन टेल्ड की बात करते हैं, अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो टू टेल होगा, तो तुम चेक करोगे मैक्सिमम केस में टू टेल ही रहता है, अगर वन टेल है तो वो साइन से पता चल जाएगा, ठीक है, ग्रेटर है तो वन टेल इस्तेमाल करना है। वन टेल वाले में देखो डेटा क्या लिखा है, वन टेल के लिए भी देख लो, जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव, वन टेल के लिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इसे वन टेल टेस्ट करना होता तो ये रिजेक्ट हो जाता, लेकिन टू टेल टेस्ट कर रहे हैं तो ये रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, समझ आया नहीं, नहीं। क्या समझ नहीं आया बोलो, टेबल देखना समझ नहीं आया, तुमको टेबल नहीं मिला क्या, सर्च किए थे टू टेल की टेबल है तो लो है ना, टेबल इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, काउंटेबल नंबर होगा, इसमें 9 में जाओ, इधर से 1 2 3 4 में, टू टेल के लिए 0.05 जाओ, 0.05 ये वाला है, यहाँ से इधर आइए, और 9 नंबर कहाँ था, यहाँ से, तो यहाँ से ये वाला वैल्यू, एक मिनट तुम लोग गलत वैल्यू बता रहे हो क्या, देखो तो वैल्यू सर है टेबल का, जीरो पॉइंट जीरो फाइव ना, 2.262, ठीक है, ये वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे टू टेल ऊपर लिखा हुआ है, 0.05 यहाँ है, ये वाले कॉलम को चेक करना है, और इधर से 9 में आइए,
इधर से नाइन आओ, वैल्यू नाइन है और यहाँ से नाइन करके जाओगे तो यहाँ पे ये 2.6 और ये 2 टेल में 0.05 है, यहाँ से आ जाओ। ठीक है, टेबल देखना समझ में आ गया। 1 टेल्ड अगर होगा तो क्या वैल्यू होगा वो भी समझ में आ रहा है। 1 टेल्ड कैसा टेस्ट को बोलते हैं वो भी समझ में आ गया। ये अंशु को मैंने बताए थे, हाइपोथेसिस जब पढ़ाए थे, हाइपोथेसिस भी पढ़ाए थे, उसी का ये सारा इस्तेमाल आप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हाइपोथेसिस में पढ़े थे उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये एक चीज देख लो, वो सारा टर्म अगर समझ में आ गया तो 5% 1% और 10% क्या है। सो कोई भी काम अगर आप करते हैं और कुछ एस्टिमेटेड है तो देखो, जो म्यू दिया हुआ होता है किसी भी क्वेश्चन में वो एस्टिमेटेड हमें वो प्रिडिक्टेड वैल्यू है। जैसे मान लो एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास, हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आपका क्लास का एवरेज मार्क्स 60% आया है। ठीक है, ये मेरा प्रिडिक्शन है और ये हो सकता है कि तुम मेरी बात मान लो या फिर ये भी हो सकता है तुम मेरे स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करोगे, क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स का कलेक्शन करो, जिसका जिसका जो जो मार्क्स आया है 2, 4, 10 लोगों का मार्क्स कलेक्ट करिए, उसके बेसिस पे एवरेज निकालिए। सबसे मार्क्स पूछोगे, सब लोग हो सकता है अवेलेबल भी ना हो और सबको तुम सब लोग तुमको बताए भी ना। तो अब क्या करेंगे, जो जो स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं रैंडमली उनका मार्क्स जमा कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, एवरेज मार्क्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो जमा करके हम एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं वो ये है जो टेबल में दिया है। मतलब आपके पास क्वेश्चन जो दिया रहेगा, ये सैंपल हमारे पास अवेलेबल है, इन स्टूडेंट्स का इस तरह का मार्क्स आया है, ऐसा अवेलेबल है। और जो मेरे बारे में जो मैंने कहा था वो स्टेटमेंट वो होता है म्यू वाला। आप क्या कर रहे हो, इसके बेसिस पे जो कैलकुलेशन करोगे इसके बेसिस पे ये निकालोगे मीन, यहाँ से ये मीन और वो मीन एक होना चाहिए, लॉजिकली तो एक ही होना चाहिए, बट एग्जैक्ट एक तो होगा नहीं कि बिकॉज स्टूडेंट्स कम आपने लिया है बट वो क्या होगा तो थोड़ा डिफरेंट होगा, डिफरेंस है 37-35, लेकिन वो डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कम है। वेरिएशन विद इन डेटा जो है वो भी दिया हुआ है, उसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा, क्योंकि आपने जो सैंपल्स कलेक्ट किया है सबका मार्क्स अगर एक जैसा हो, सपोज ऐसा करो कि तुमने जिन लोगों का मार्क्स कलेक्ट किया है उसका सबका हाईएस्ट मार्क्स आया हो, बहुत ज्यादा मार्क्स आया हो, कुछ ऐसे लोग जिनका बहुत कम मार्क्स आया हो वैसे लोगों को भी आप कलेक्ट कर लो, कुछ ऐसे लोग भी जिनका एवरेज भी आया हो। तो अगर सबका पार्टिसिपेशन है तो तुम्हारा जो पूरा आएगा वो रिजल्ट कहीं ना कहीं वही देगा, लेकिन कभी आप बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स का मार्क्स ले ले, किसी लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स का मार्क्स ले ले, तो फिर क्या हो जाएगा, जो आप रिजल्ट निकालेंगे वो उससे मैच नहीं करेगा। तो अब आप सैंपल्स के बेसिस पे उस स्टेटमेंट को क्रॉस चेक कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप क्रॉस चेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एरर होने के चांसेस हैं। वो एरर होने का चांस हम लोग यहाँ लेते हैं 5%, 10% या 1%, 100% एक्यूरेसी कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो एरर होगा। तो मिनिमम एरर 1% और मैक्सिमम एरर 10% अलाउड है। ठीक है, इन बिटवीन आप 5% ले लो, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो 5% ले लो, सबसे अच्छा वही है। 10% एरर ले लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा एरर ले रहे हैं, 1% ले रहे हैं तो आप बहुत कम एरर ले रहे हैं, लेकिन आप एरर आपका जो भी एस्टिमेशन होगा जो भी स्टडी करोगे उसमें एरर जरूर होगा, ये श्योर है, क्योंकि आप सैंपल के बेसिस पे कर रहे हो ना स्टडी। आप 2, 4, 10 स्टूडेंट के बेसिस पे पूरा 80 स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो एरर होगा ना, लेकिन क्या वो एरर बहुत ज्यादा है क्या वो कम है, ये चेक करने के लिए इस तरह का टेबल बनाया। तो जो टेबल होता है वो मैक्सिमम अलाउएबल डिफरेंस होता है, अगर उतना डिफरेंस है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो कंसिडरेबल डिफरेंस है, मतलब आपका जो प्रिडिक्शन है वो स्टेटमेंट जो मैंने कहा वो गलत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रैंडमली मैंने दिया था, वेरिएशन भी डेटा में है, लेकिन एवरेज मार्क्स जो मैंने दिया था वो 35 दिया था, कोई टेबल देख के हम अभी क्वेश्चन नहीं दिए थे ये।
लेकिन फिर भी वो क्या एवरेज राउंड वही आ गया और एक्सेप्टेबल है, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। वो कुछ भी ऐसे ही रैंडमली दिया होगा, रैंडमली उसी को मान लो हम थर्ड इसको 35 की जगह 25 कर ले, आप देखो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को समझना है। तो अब आप इसी क्वेश्चन को इसी तरह से प्रोसेस करके पूरा आपको स्टेप वाइज बनाना पड़ेगा, जिसमें आप लिखेंगे नल हाइपोथेसिस ये है, अल्टरनेटिव ये है, कैलकुलेशन ये करोगे पूरा का पूरा कैलकुलेशन स्टेप आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप ये तीस स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करेंगे, एस कैलकुलेट करेंगे, पूरा ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ तक आएंगे, फिर आप एक स्टेप पे लिखेंगे 5% पे, 5% पे जब आप चेक कर रहे हैं उसका कैलकुलेटेड वैल्यू ये है, और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है जो अभी तुम कैलकुलेट करके लाए हो वो वैल्यू लेस है इससे, इसलिए जो स्टेटमेंट कहा गया है वो करेक्ट है, माना जा सकता है, क्योंकि इसके लिए मैंने लैंग्वेज पूरा लिखाया था आप लोगों को, था ना, देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट दिस, दैट्स व्हाई वी कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, यही होता है पूरा का पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर। ये क्वेश्चन में या तो स्पेसिफाइड रहेगा, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है जस्ट टेक इट एज 5% गिवन होता है, या तो टेबल गिवन होता है या तो वैल्यू गिवन होता है, और अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो आप मांग सकते हैं एग्जामिनर से, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ आपको एग्जामिनर से मांग सकते हो, वो आपको अवेलेबल कराएगा, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेट इमेजिनरी नंबर नहीं है कैसे निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिक्स क्राइटेरिया डिफाइन है, तो वो आपको एग्जामिनर देगा या फिर क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, कभी कभी होता है ना इसका वैल्यू ये है दिया रहता है, उस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर क्वेश्चन होगा तो, ठीक है, यही प्रोसेस होगा। और ये टेस्ट कोई भी टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, नॉर्मल टेस्ट हो, ये एक्चुअल में नॉर्मल टेस्ट के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, अगर इसको टी टेस्ट में करते हो तो ठीक है, नहीं तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके नॉर्मल टेबल के बेसिस पे भी सॉल्व किया जाता है, नॉर्मल टेबल का भी वही है क्राइटेरिया, वही सिस्टम है, आपको दिया रहेगा टेबल, टेबल के हेल्प से ही कैलकुलेशन करना है, लेकिन ये कंडीशन हर जगह वही है, टैबुलेटेड वैल्यू निकालो, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालो, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड से लेस हो, हमेशा लेस होगा, अगर लेस हो तभी एक्सेप्ट होगा, अगर ग्रेटर है तो नहीं होगा एक्सेप्ट, ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ भी वैल्यू हो, आइदर वो टी टेबल हो, नॉर्मल टेबल हो, कोई भी और टेबल हो, जो भी टेबल होगा उसका वैल्यू हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू लेस होना चाहिए, जो भी आप कैलकुलेट करके लाए हैं वो लेस होना चाहिए उस टैबुलेटेड से, अगर लेस है तो एक्सेप्ट होगा चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, अगर ग्रेटर है तो रिजेक्ट हो जाएगा चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, ठीक है, ये याद रखना है, दैट इज द मैक्सिमम अलाउएबल डिफरेंस, अगर उससे कम है तो वो मैक्सिमम को अटेन नहीं किया है, मतलब आप उसको जाने दे सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है या उतना हो जाता है तो फिर हम रिजेक्ट करते हैं, उससे कम होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया, हाँ या नहीं, दोनों तरफ जा रहा है तुम्हारा, ठीक है, अब स्टेप वाइज उसको लिख सकते हो, होगा या नहीं बताओ, टेबल आपके पास अगर है बुक में होगा या नहीं होगा पता नहीं, बुक तो नहीं रखे हो तुम लोग, तो बिना बुक के वाले इंसान हो, उसमें हो सकता है नहीं हो, लाइब्रेरी में भी बुक होता है, लाइब्रेरी नाम की भी कोई चीज होती है जो शायद तुम लोग भूल चुके हो, ठीक है, तो वहां पे बुक होगा ना तो उसमें टेबल मिल जाएगा, नॉर्मल टेबल भी मिल जाएगा, टी टेबल भी मिल जाएगा, एफ टेबल, सारा टेबल मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सबका प्रोसेस यही है, स्टेप वही, टेस्ट करने का प्रोसेस यही होगा, अब वो बस डिफरेंस क्या होगा ये बता रहे, सारे टेस्टिंग प्रोसीजर में डिफरेंस क्या होगा, ये जो स्टैटिस्टिक है ना ये फॉर्मूला हर केस में बदल जाए, बस बाकी का कंडीशन 5% 10% 5% वही रहेगा, ये जो टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड वैल्यू है वो वही रहेगा, वो
फॉर्मूला हर चीज में बदलता है, बस और कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चलो लिखो इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो। ये एक डेटा एक्स का है, ठीक है, समझ लो। ये जो है ना, ये है, ये एक है किसी का, ठीक है, वेट ऑफ जिसको एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वेट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ऐसे ड्रग की बात कर रहे हैं जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है वेट इंक्रीज करने के लिए। मान लो शुरुआत में किसी का वेट 25 रहा हो, बाद में 30 हो गया हो, ठीक है, इंसान वही है, जब दवा तुम खा रहे हो तो बाद में वेट किसका रहेगा, तुम्हारे ही होंगे ना, किसी और का नहीं रहेगा। तो जो इंसान यहाँ पे है वही इंसान यहाँ भी है। सेकंड में मान लो इसका भी है सपोज 39 हो जाता है, सपोज इसका 47 ही रह जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता, 65 होता है, सपोज दिस इज 45, 49, 44, 32 एंड 39, वही वेट वही पर्सन दूसरी बार है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे इस टेस्ट से, ना वही आपका टी टेस्ट ही होगा, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हो पेयर्ड टी टेस्ट। क्या हो रहा है, एक इंसान का पहले वेट हम देख रहे हैं, 9 samples 9 कैंडिडेट्स को लिए, जैसे सबका वेट चेक किया गया, ठीक है, सबका वेट जो भी रहा उसके बाद उसको एक महीने के लिए कोई ड्रग दिया गया, ठीक है, जो भी सप्लीमेंट रखते हो, जो भी जैसे कुछ भी आता है मार्केट में तो क्या होता है उसका इफेक्टिवनेस चेक किया जाता है ना, तो इसको खाने से वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ये देखना है, तो सबका वेट इंक्रीज होके ये आ गया। तो मान लो ये एक्स से डिनोट करते हैं, ये वाई से डिनोट करें, इनिशियल वेट फाइनल वेट। अब आपको ये बताना है कि ये ड्रग इफेक्टिव है या नहीं, वेट सबका बढ़ रहा है, अब इस ड्रग की वजह से ही बढ़ रहा है या कोई और रीजन है ये पता नहीं चलता। तो यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस स्क्वायर बाय एन वन प्लस एस स्क्वायर बाय एन टू, ये फॉर्मूला है। एक्स वही है जो पहले था, मैम दिख नहीं रहा, ठीक है, एक्स बार माइनस वाई बार एस स्क्वायर बाय एन वन, ये लिखो पूरा या फिर इसको बाहर भी निकाला जा सकता है रूट से जैसे हम पिछली बार लिखे थे, या फिर ये लिखो दोनों ही टर्म वही है। अब इसके बेसिस पे सॉल्यूशन निकालना है, मतलब मीन निकालो उस टर्म का, यहाँ पे मॉड लिख दिए है इसलिए क्योंकि इसका वेट ऑब्वियसली कम होगा इससे, होगा ना, इसका एवरेज वेट ज्यादा होगा उसका एवरेज वेट कम होगा, तो आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम भी कर सकते हैं, मतलब वाई बार माइनस एक्स बार भी कर सकते हैं, वही है 9 अलग अलग होगा। अलग अलग होगा ना, एक्स बार का अलग होगा, वाई बार अलग होगा। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो, आपने मैम यूनिट ऑफ के बाद क्या लिखा है, एक्चुअली देख नहीं रहा। वेट ऑफ द पर्सन एक्स, ये जो डेटा है दैट इज वेट ऑफ द पर्सन, डब्ल्यू टी लिखे है, वेट ऑफ पर्सन एक्स है और ये वही वेट ऑफ पर्सन
मैम ये दोनों का डिफरेंस करके नहीं बना सकते हैं। नहीं मीन का डिफरेंस निकालना, समझ में आया? ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कर, ठीक है? समझ आया? यहाँ पे आविष्कार नहीं करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है मेथड का। जितना आविष्कार होता है ना वो इस पे टेस्ट किया जाता है, इसका आविष्कार नहीं कर रहा है। कोई भी दवा सही है या नहीं है इस पे चेक किया जाता है, मतलब खाने से कोई फायदा है या नहीं ये बताएगा। डब्बा खाने से फायदा, डब्बा खाने से। तभी कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ हो सकता है, दिस इज एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर, ये भी लिखा होता है, मतलब वही है, एक एक्स का है दूसरा वाई का है, ठीक है? चलो बन जाएगा ना। यस मैम। कुछ नया तो करने के लिए मैंने नहीं दिया अभी तक। यहाँ पे नया टर्म एक इंक्लूड तुम ये कर सकते हो, जो तुम लोग नल हाइपोथेसिस कहते हो ना, एक सेकंड रुक जाओ, कैलकुलेशन पार्ट में सीधे मत आइए। एक टर्म आता है एच नॉट, एक एच वन, वो यहाँ क्या होगा? म्यू तो मैंने बताया नहीं, तो जरूरत नहीं है। नहीं यहाँ पे ये होगा ड्रग इज डिफेक्टिव और नॉट, सॉरी ड्रग इज इफेक्टिव और नॉट, the drug is effective, the drug is drug डाल दो या supplement डाल दो, is effective, और ये हो जाएगा the drug is not effective। मतलब अगर इन दोनों में difference ये values उस tabulated से कम आ जाता है तो ड्रग इफेक्टिव है, अगर नहीं आता है तो अभी तक क्या ज्वाइन करने का। एक सेकंड रुक जाना, जो भी ऑनलाइन हो X,
एक्स बार अलग निकाल लो, वाई बार अलग निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल रहा है, और वो डिफरेंस जो है ना वो मॉड में लेना, क्योंकि डिफरेंस जो भी आएगा दैट इज पॉजिटिव, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ऑनलाइन में बना बन रहा है सब लोगों का? यस मैम। और बीच में डिस्टर्बेंस किसकी तरफ से आ रहा था? बताइए जरा। Bye.
Yes,
बन गया मैम हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।